Hey, what's up guys, welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक लड़की की हिम्मत और डर के आगे की जीत की दास्तान है। कैसे उसने खुद के साथ 20 लड़कियों की और भी जान बचाई, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का मेन किरदार क्लारा, जिसको हम पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं। उसके शरीर पर काफी घाव भी हैं, जिसके पीछे की वजह वो शेरिफ पूछ रहा, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया। पर फिक्र मत करिए, हम आपको ले चलते हैं पीछे, यानी कि 23 दिन पहले, जहां से ये सब शुरू हुआ था। मिशेल नाम की औरत जो कि क्लारा की मॉम है, वो दोनों ही कहीं घूमने के लिए जा रही हैं। पर क्लारा अपनी माँ के जाने से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि वो अकेले घूमना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम के जिद के आगे वो हार जाती है। पर वो जाएंगे तब जब उनकी कार शुरू होगी, क्योंकि वो बंद पड़ चुकी है। अब दोनों की लाख कोशिशों के बाद वो शुरू हो जाती है और ये निकल पड़ते हैं पोर्ट की ओर, जहाँ पर मिशेल का बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है, जिसको क्लारा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उन पर हद से ज़्यादा भरोसा करती है, जबकि उन्हें अभी रिलेशन में आए हुए कुछ ही महीने हुए। अब दोनों ही पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका पहले से स्टीवन इंतज़ार कर रहा था। उसे खुद की एक बोट भी होती है, जिस पर ये अपने बैग को लोड कर लेते हैं और जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच क्लारा की नज़र बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर एंजेलिना लिखा हुआ था। वो उसे पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मैंने, जिसे बोट ये खरीदी है उसी ने लिखवाया था, और तब से ये ऐसा ही लिखा हुआ। खैर अब ये निकल पड़ते हैं अपने सफर पर, अपनी बोट को लेकर समुंदर के बीचों बीच, जहाँ पर कोई भी नहीं है। है तो खुला आसमान है और ताज़ी हवा है और सुकून, जो कि मिशेल को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो स्टीवन के साथ ऊपर डेक पर ही बैठी रहती है। लेकिन यहाँ क्लारा अलग ही परेशान थी, क्योंकि उसके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए वो चारों ओर फ़ोन को घुमाती है और ऐसे ही करते करते ऊपर तक पहुँच जाती है, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर स्टीवन उसे कहता है कि जाओ नीचे से रस्सी लेकर आओ, मैं तुम्हें आज कैसे नॉट बांधते हैं ये सिखाता हूँ। वो रस्सी ढूंढने के लिए नीचे जाती है, पर वो नहीं मिलती, जिस वजह से वो ऊपर आ जाती है। कुछ घंटे के बिताने के बाद स्टीवन एक केक लेकर आता है और मिशेल को सरप्राइज़ देता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उस केक को देखकर वो बहुत खुश होती है, और फिर वो उन्हें गिफ्ट भी देता है, जिसमें उसने क्लारा को एक चाकू दिया था, जो उसके आगे जाकर बहुत ही काम आने वाला है। बस आप देखते रहिए कैसे। खैर इसके बाद मिशेल ऊपर जाती है और फोटोज को क्लिक करना शुरू कर देती है। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन इतने में मिशेल का पैर स्लिप हो जाता है और वो फोन के साथ ही पानी में गिर जाती है। वहीं पे खड़ा स्टीवन फौरन एक रस्सी को नीचे फेंकता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश में लग जाता, क्योंकि वेव अचानक से तेज हो चुकी है, जिस वजह से बोट भी ज्यादा हिल रही है। मिशेल के ऊपर आ जाने पर वो क्लारा को नीचे टावल लाने के लिए बोलता है, लेकिन उसे टावल ढूंढते ढूंढते कुछ बंदूकें दिख जाती है, जिसको छुपा कर रखा गया था, लेकिन क्यों ये तो हमें भी नहीं पता, इसका राज शायद आगे पता चले। अब वो फौरन जाकर अपनी मॉम को टॉवल देती है, उन्हें वापस चलने को बोलती है, पर तभी उनकी नज़र दूर से आ रहे एक बड़े तूफान पर पड़ती है, जो इनकी ओर किसी भी समय आ सकता है। इसीलिए वह एंकर को नीचे डाल देते हैं और सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं, ताकि कुछ नुकसान ना हो। लेकिन रात होने पर क्लारा को नींद नहीं आती, वो बिजलियों की आवाज़ों से बार बार उसे डरा रही थी, इसीलिए वो टीवी देखना शुरू कर देती है। और अगली सुबह जब सोकर उठती है, तो देखती है कि ऊपर उसकी मॉम चिल कर रही है। वो उसको स्मोक करने को कहती है, लेकिन क्लारा ये कहकर मना कर देती है कि वो उनके सामने स्मोक तो नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और मेरी दोस्त की तरह हो, इसलिए आज मेरे लिए कश मार लो। अब दोनों ही पल को एंजॉय करते हैं। ये क्लारा की ज़िंदगी के कुछ अच्छे पलों में से एक था, क्योंकि जब उसकी मॉम डैड अलग हुए थे, तब से ही वो काफ़ी अकेली रहने लग गई थी। लेकिन अब चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। स्टीवन भले ही उसे पसंद नहीं था, लेकिन वो उसकी मॉम की केयर करता था, जो कि अच्छी बात थी। फिर वो लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद स्टीवन उसे उन बंदूकों के बारे में भी बताता है कि वो अभी एक प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करता है, इसीलिए वो उसे बंदूकें रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो उसे सिखाता भी है कि इसे कैसे चलाना, जो कि वो सीख भी जाती है। फिर वो नीचे आकर कंपास और मैप को चेक करती है। इन्हें असल में एक आइलैंड पर कुछ दिन साथ में बिताना है, लेकिन उसे यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी आइलैंड नजर नहीं आ रहा। अब रात हो जाती है, क्लारा सोने के लिए चली जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो कुछ हंगामे को सुनती है। जब वो डेक का गेट खोलती है, तो ऊपर कुछ लोग आ चुके थे अपनी बोट को लेकर, और वो लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे, और साथ में वो लोग इनसे कुछ मांग भी रहे थे। अब स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि वो उसे देख ले, क्लारा नीचे आकर छुप जाती है। वहां ऊपर वो लोग स्टीवन के कंधे पर गोली मार देते हैं और साथ में वार्निंग भी देते हैं, और जाते हुए उन्होंने पूरी बोट में आग लगा दी थी, जिस वजह से क्लारा को बाहर आना पड़ता है। अब वो उस आग को जैसे तैसे बुझा देती है, लेकिन जब वो ऊपर आती है तो वहां उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी मॉम को मार डाला था, वो भी बहुत ही बेरहमी से। अब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। ऐसे ही रोते रोते सुबह हो गई थी।
वो नीचे जाकर कुछ मदद की चीज़ों को ढूंढना शुरू करती है, पर सब कुछ जल चुका था। बोट का इंजन भी खराब हो गया था, उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बेबस होकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक रस्सी पर जाती है जिसमें अभी स्टीवन फंसा हुआ था। वो उसको फौरन लेकर आती है और उसके जख्म पर मरहम लगाती है और पीने के लिए पानी देती है, और तब जाकर वो होश में आता है। देन वो उसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। तो वो उसे बताता है कि जाकर मदद मांगो, पर रेडियो तो काम कर ही नहीं रहा है। क्लारा पता नहीं कहाँ से एक डिवाइस लेकर आती है जिसको देखकर स्टीवन कहता है कि ये किसी काम का नहीं है। अब सबसे पहला सवाल था कि वो लोग कौन थे और वो स्टीवन से क्या मांग रहे थे, जो कि स्टीवन से पूछ लेती है, पर वो तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देता और बोलता है कि शायद वो पायरेट्स होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने मिशेल को मार दिया। अब शाम में वो नीचे आ जाती है कुछ खाने के लिए, तब वो स्टीवन के सामानों को चेक करती है जिसमें से उसे कुछ फोटोज मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि स्टीवन पहले एक ऑफिसर था। पर इससे भी शॉकिंगली एक और बात थी, जो लोग कल आए थे उनमें से एक बंदे की फोटो स्टीवन के साथ थी, यानी कि वो उसे जानता है। और ये देखकर वो फौरन ऊपर जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। उस समय वो सो रहा था, फिर अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उस बोट के खंभों पर कपड़े बांध देती है जिससे कि वो हवा के चलते आगे बढ़ती रहे और वो लोग यहाँ से कहीं दूर जाएं किसी पोर्ट की ओर। अब दो रात के बाद जब वो फिर से ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर स्टीफन नहीं है, जिसे वो हैरान हो जाती है और इधर उधर उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो तो नीचे वॉशरूम गया था, पर उसने तो उसे बांधा हुआ था। अब यहाँ वो उसे पूछ ही लेती है, क्या तुम उन लोगों को जानते थे? वो कहता है कि अगर तुम्हें इन बातों पर बहस करना है तो चलो हम करते हैं, लेकिन फिर याद रखना इसे बस टाइम वेस्ट होगा और हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अब क्लारा को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो उसके साथ उस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गोली लगने की वजह से स्टीफन कुछ कर नहीं पा रहा था, इसीलिए क्लारा को ही सब कुछ करना पड़ता है, और बहुत ही कोशिशों के बाद वो इंजन फाइनली शुरू हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, पर उनकी खुशी कुछ ही देर बाद उदासी में बदल जाती है, क्योंकि इंजन में धमाका हो जाता है और वो बंद पड़ जाता है। अब दोनों को फिर से पानी और हवा के सहारे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? यही पता लगाने के लिए वो मैप में किसी आइलैंड को ढूंढते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर इन्हें मिल भी जाता है। फिर दोनों अपनी बोट को उसी दिशा में मोड़ देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक रात क्लारा कहती है कि वो अपनी मॉम को पानी में नहीं बहा सकती, उन्हें वो एक प्रॉपर फ्यूनल देगी, जिसे सुनकर स्टीफन उसे वादा करता है कि उसकी मॉम को उससे ज़्यादा फिक्र है। वो वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उन्हें उनके घर तक पहुँचा देगा। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। यहाँ धीरे धीरे अब क्लारा स्टीफन के ऊपर भरोसा करने लग गई थी, लेकिन एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नीचे आता है, सब तोड़ने फोड़ने लगता है। उसका कहना था कि वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और भटक चुके हैं। उसके गुस्से को देखकर क्लारा भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रूम में खुद को बंद कर लेती है। अब सुबह होने पर वो उसे पहले उठ जाती है और ऊपर जाकर देखती है तो उसे खुद के सामने एक आइलैंड नज़र आता है, मतलब वो सही रास्ते पर है। पर स्टीवन को रात में सही से दिखाई नहीं दिया और वो उसके उठने से पहले उसी ओर बोट को मोड़ देती है। जब वो सोकर उठता है तो उसे उस आइलैंड के बारे में बताती है, पर उनकी बोट उसके करीब नहीं जा पाती। वो लाइफ बोट का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन अब क्लारा को ही बोट को पैडल करना होगा, जो कि उसे सही से आता नहीं है, जिस चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। और वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि असल में उस लाइफ जैकेट को खोलना कैसे, जिस वजह से स्टीफन को भी पानी में कूदना पड़ता है। पर तब तक देर हो गई थी, अब वो नीचे की ओर जाने लगती है। उसकी तो आंखें तक बंद हो गई थी और इसीलिए स्टीवन उसे फौरन किराने तक लेकर आता है और बोलता है कि उठो हम आ गए, पर उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। और जब तक उसकी आंख खुलती है उसके पास स्टीवन नहीं था। वो साइलेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कुछ दूर जाने पर उसे एक बड़ी सी गुफा मिलती है, उसके अंदर बैठा स्टीफन अपने घावों को साफ कर रहा था। उसको देखकर वो बताता है कि यहाँ का पानी साफ है, तुम पी सकती हो। फिर दोनों साथ में किनारे तक आ जाते हैं, जहाँ उनकी वो राफ भी मिल जाती है, जिसके अंदर क्लारा आज की रात बिताने के लिए चली जाती है और स्टीवन बाहर ही सोता है। पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर आकर स्टीवन के पास बैठ जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बारे में बताना शुरू करते हैं। जहाँ क्लारा बताती है कि उसने उसे झूठ कहा था कि वो पहले भी बंदूक चला चुकी है, क्योंकि उसके डैड मिलिट्री में थे। वहीं स्टीफन बताता है कि जो तुमने फोटोज को देखा था वो सही थी और मैं एक पुलिस वाला था, जैसे कि तुम्हें पता है कि पर उस समय पर काफ़ी करप्शन चलता था, जिसकी मदद से मेरे साथी और अमीर बनते चले गए और मैं और भी गरीब, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी उनकी तरह कुछ ऐसे काम करूँगा। तब मुझे एक ग्रुप मिला जो उस दिन बोट पर आया था, वो असल में शरीफ लोगों को लूटते हैं और उनके साथ मैंने भी काम किया, और उसके कैप्टन ने ही तुम्हारी मॉम को मारा था, लेकिन मैंने उसके साथ दो ही दिन में काम छोड़ दिया क्योंकि वो पैसे उन बेबस लाचार लोगों के थे जिन्हें मैं जानता तक नहीं था।
तो क्लारा कहती है कि मैं उस कैप्टन को मारकर अपनी मॉम का बदला जरूर लूंगी। लेकिन स्टीवन ये मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो सब कुछ भूल चुकी है, यहाँ तक कि उसने जो उसे नॉट बांधना सिखाया था वो भी वो भूल चुकी है। वो मना कर दिया और स्टीवन फिर से उसे सिखाता और कहता है कि अब इसे खोल कर दिखाओ, लेकिन वो खोल नहीं पाती है। तब वो उसे उसकी मॉम की रिंग दिखाता है, जिसे देखकर क्लारा समझ जाती है कि ये इंसान सही नहीं है, जो कि स्टीवन साबित कर देता है। ये बोल करके उसका तो यही काम है, अमीर लोगों को लूटना जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं तो तुम्हारी मॉम को सही से जानता तक नहीं, बस उसके पास पैसे थे इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। ये सुनकर क्लारा गुस्से में आ जाती और उसे धक्का देकर दूसरी ओर चली जाती है। उसने वो नॉट भी खोल ली थी और अब उसी की बंदूक से वो उस पर तान देती है, पर अफसोस कि उसमें गोलियां नहीं थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ता है। पर अब स्टीवन उसके पीछे पड़ चुका था, जो कहता है कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा क्योंकि तुम अब मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। लेकिन क्लारा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो जंगल के बहुत ही अंदर चली जाती है और पूरी रात वो जंगल में भटकती रहती है। सुबह होने पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि स्टीवन उसके करीब ही है, इसीलिए वो किसी भी हाल में अपनी बोट तक पहुंचने का प्लान बनाती है। उस चट्टान से नीचे उतर कर किनारे तक पहुंचती है, पर इतने में उसके पीछे से गोलियां चलना शुरू हो जाती है जो कि स्टीवन चला रहा था। वो जैसे तैसे पत्थर के सहारे छुप जाती है और उधर उस चट्टान से स्टीवन का पैर स्लिप हो जाता है, वो सीधा नीचे गिर जाता। क्लारा को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है, पर वो तो अभी जिंदा था। वो उसे चाकू दिखाकर मदद की गुहार लगाता और कहता कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, मेरे बिना तुम बाहर निकल नहीं सकती। और तब यहाँ क्लेयर उसके बैग से एक सैटेलाइट फोन निकालती है, पर वो बताता है कि ये काम नहीं कर रहा, इसीलिए कोई फायदा नहीं है। अब क्लेयर के पास कोई चारा नहीं था और वो स्टीवन की मदद अब ले नहीं सकती, इसीलिए वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर अपनी राह से बोट तक पहुंच जाती है और दो दिन पूरा सही से आराम करती है। लेकिन तीसरे दिन वो देखती है कि उसकी बोट में तो पानी भरना शुरू हो गया। वो उसी समय अपनी राह पर शिफ्ट हो जाती है और साथ में अपनी मॉम की लाश को भी रखने लगती है। लेकिन अफसोस कि वो पानी में गिर जाती है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है और ये पल उसके लिए बहुत ही कठिन पल होता है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर जब तक वो उसे ढूंढ पाती कि एक शार्क आकर उसकी मॉम को उसके सामने ही ले जाती है। और ये नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से आज लाचार महसूस कर रही थी। आज वो अकेली पड़ चुकी है, वो बहुत रोती है और यहाँ क्लारा के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो थोड़े थोड़े पैडल करके आगे बढ़ती रहती है और इंतज़ार करती रहती है किसी की भी मदद आने का। अब एक दिन उसे दूर एक जहाज़ तो दिखता है, लेकिन वो दूर से ही चला जाता है, उसके करीब नहीं आता। यहाँ की वो फ्लेयर भी इस्तेमाल करती है पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। पूरे एक हफ्ते बिताने के बाद उसे फाइनली एक छोटी बोट लेने के लिए आती है। शायद उन बड़े शिप के लोगों ने उसे देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को भेजा है। अब वो लोग उसे अपने साथ उस बड़े शिप पर ले जाते हैं, जहाँ क्लारा देखती है कि उन लोगों के पास तो बंदूकें हैं और वो किसी कैप्टन नाम के आदमी को पुकार रहे हैं। यहाँ क्लेयर के दिमाग की बत्ती खुल जाती है। वो समझ गई थी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी मॉम को मारा था, जिनके लिए स्टीवन काम करता है, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकती, उसे हौसला रखना होगा। ऊपर जाने पर जब वो खाना खा रही होती है, तभी एक छोटी लड़की बहुत ही बुरी हालत में उसके सामने से गुजरती है। तब उसे समझ आता है कि उसका भी यही हाल होने वाला है, इसीलिए उसे कुछ ना कुछ फौरन करना होगा। सबसे पहले वो अच्छे से तैयार हो जाती है और छुपते छुपाते पहुंच जाती है कैप्टन के पास, जो इस ग्रुप का हेड था। अब यहाँ वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही सही मौका मिलता है वो उसे पीछे से वार करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। कुछ इस तरह से ले लेती है वो अपनी मॉम का बदला। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो इस शिप पर बहुत से लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, वो उन्हें कैसे ख़त्म करेगी। अब तो उन लोगों को भी पता चल चुका है कि उनका कैप्टन मर चुका है, इसीलिए वो क्लारा के पीछे पड़ जाते हैं और वो भागते हुए जाकर एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर पहले एक लड़की मौजूद थी जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। उसे क्लारा पूछती है कि तुम्हें पता है कि बंदूकें कहाँ पर रखी है, तो वो उसे इंजन रूम में जाने को कहती है, जहाँ पर क्लारा को उसकी ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं। फिर क्या था, उस पूरे शिप को वसेपुर बना देती है और एक एक करके सभी को मार डालती है। आखिर में जब वो रूम के गेट को खोलती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वहां पर 20 से ज्यादा लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था, उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा था। उन्हें देखकर वो उनसे वादा करती है कि वो उन सभी को बचा लेगी, लेकिन इतने में एक गुंडा आकर उसके सर पर बंदूक तान देता है। अब क्लियर के पास कोई चारा नहीं बचता, पर इतने में पीछे से एक लड़की आकर उसे भी मार देती है और यहाँ क्लियर उन सभी को लेकर ऊपर आ जाती है। यहाँ हम एक ऐसे बंदे को देखते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, स्टीवन उसके सामने खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, उसने इन लोगों को पहले ही उनके पैसे दे दिए थे, पर उसने सौदा किया था कि वो खुद के हाथों से तुम्हें मारेगा। बेसिकली शिप पर जितनी भी लड़कियां थी उन्हें स्मगल किया जा रहा था कहीं और स्टीवन इनसे मिला हुआ था।
अब ये सब देखकर फिर क्या था, दोनों में भिड़त होना शुरू हो जाती है। स्टीवन उसके सामने भारी पड़ने लग गया था, इसीलिए वो भाग कर ऊपर जाती और दीवार के पीछे छुप जाती। जैसे ही वहाँ स्टीवन आता है वो उस पर अचानक से हमला करती है और फिर वो उसी के दिए हुए चाकू से उसके सीने को फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब उसकी मॉम को शांति मिली होगी। ये देखकर हम जान पाते हैं कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वेल, सभी लड़कियां बाहर आती हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। वो डेक पर जाकर देखती हैं तो उन्हें दूर कुछ लाइट दिखती है जो किसी पोर्ट की थी। वेल, यहाँ अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ हम सभी क्लियर को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं, जो उसे उसी पोर्ट से लेकर आई है। साथ में उन 20 लड़कियों को, उन्हें सभी को उसके घर भेज दिया जाता है। पर जब वो क्लियर से उसे पता पूछती हैं तो वो कहती है कि उसका कोई घर नहीं है, वो अनाथ है। शायद यह सत्य है, अब वो भी इस दुनिया से दूर चली गई है। उसके डैड भी जंग में मारे गए हैं। वो पुलिस वाला उसकी हालत को देखकर कहता है कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा फ्यूचर अभी तुम्हारे सामने है, तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि अभी एक उम्मीद है। और दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्लारा की जिंदगी का सूरज फिर से निकलेगा और इस बार ये और भी ज्यादा रोशनी फैलाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।